दोस्तों फाइनली बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और इसके साथ ही बीसीसीआई ऑफिशियल जय शाह की तरफ से आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन के तारीखों के ऊपर सबसे बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, जहां पर ये पता चल चुका है कि आईपीएल 2021 का मेगा ऑक्शन किस तारीख से कितने बजे से स्टार्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, जहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेगा ऑक्शन का आयोजन किस तारीख से कराया जाएगा और साथ ही साथ इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी आईपीएल 2021 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप बिग बैश लीग के सभी मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें, उनका सभी डिटेल्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन के कंफर्म डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आईपीएल 2020 के खत्म होने के बाद बीसीसीआई की तरफ से लगातार आईपीएल 2021 के ऊपर अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है, जहां पर बीसीसीआई ने दो बड़ी अपडेट दे दी है। पहला अपडेट ये है कि आईपीएल 2021 में टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें 9वीं टीम होगी अहमदाबाद की, वही 10वीं टीम लखनऊ की हो सकती है। वही दूसरी अपडेट ये है कि इस साल 100% मेगा ऑक्शन का आयोजन कराया जाएगा। हालांकि मेगा ऑक्शन का विरोध दो टीमें कर रही है, जिसमें पहली टीम है मुंबई इंडियंस की, वही दूसरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की, और ये दोनों टीमें नहीं चाहती है कि आईपीएल 2021 में मेगा ऑक्शन का आयोजन कराया जाए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान मुंबई की टीम को होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेगा ऑक्शन के डेट के बारे में। तो अब से कुछ दिनों पहले बीसीसीआई के ऑफिशियल जय शाह ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है, जहां पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, वही इसका फाइनल महामुकाबला 31 जनवरी को खेला जाएगा। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का कनेक्शन आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन से है, क्योंकि बीसीसीआई ने कुछ दिनों पहले क्लियर किया था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के खत्म होने के बाद मेगा ऑक्शन का आयोजन कराया जाएगा। तो इस वजह से 31 जनवरी के बाद ही आईपीएल 2021 का मेगा ऑक्शन स्टार्ट होगा और फरवरी के फर्स्ट वीक में आईपीएल 2021 का ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। और हम आपको बता दें कि ऑक्शन 2 से 3 दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि इस ऑक्शन में 500 से 600 बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस वजह से ऑक्शन लगभग 2 से 3 दिनों तक चलेगा। इसका लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पर कराया जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों को अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी होगी, क्योंकि सभी टीमों मैक्सिमम 3 प्लेयर्स को ही अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन कर पाएगी। वही 2 प्लेयर्स पर ऑक्शन में आरटीएम कार्ड यूज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट टीम को कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आईपीएल 2021 का मेगा ऑक्शन फरवरी के फर्स्ट वीक में कराया जाएगा, ये बात लगभग पूरी तरीके से ऑफिशियल तौर पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यही था मेगा ऑक्शन से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में क्रिकेट प्रेडिक्शंस के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।